Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग हो सकता है. धूम्रपान मौत का कारण बन सकता है. Drinking is injurious to health. शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है. इस शहर को यह हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं. क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा. बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां. पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना. धूम्रपान न करें, न करने दें. धूम्रपान पड़ेगा महंगा. परमजीत जी, जो पैसा लिया था उसका ब्याज भी नहीं दिया, घर भी खाली नहीं किया. घर कब तक खाली करोगे? हम घर क्यों खाली करें? जब मैं ब्याज के पैसे देने गया था तो ब्याज लिए बिना तेरे बाप ने वापस लौटा दिया. अब ब्याज ब्याज बोल करके मुझे धमका रहे हो तुम लोग. हेलो, बैंक की तरह सिंगल ब्याज लगाकर तुम क्या हमें भिखारी बनाना चाहते हो? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, उसके ऊपर फिर ब्याज और उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर ही मेरे पिताजी बने हैं ठाकुर लाला. पैसे मांगते वक्त तो हाथ जोड़ के लेते हो, वापस मांगो तो कोर्ट की धमकी देते हो. मेरी बात सुनो, इस घर में शादी होने वाली है. घर की दहलीज पर आकर तुम लोग इस तरह झगड़ा करोगे तो फिर मैं पुलिस को फोन कर दूंगी. पार्वती जी, पुलिस वालों को फोन करके ही हम यहाँ आए हैं. तुम्हारे पति का दिया चेक जो रिटर्न हो गया है उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है. ऐसे 10 चेक रिटर्न हुए हैं. एक एक पैसे की कीमत क्या होती है ये ऊपर वाले ने हमें सिखाया है. ऊपर वाले की आंख में तुम लोग कैसे धूल झोंकते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा वकील बात करेगा. तुम्हारा वकील केवल वायदे ही ले पाएगा, लेकिन हमारा वकील पूरा कोर्ट खरीद सकता है. तुम लोगों का जमीर मर गया है क्या? जमीर को सीने में रखकर हम लोग क्या अचार डालेंगे? रोकड़ा ही हमारा जमीर है. हम लोग फिर आएंगे. पूरे 10 करोड़ नहीं मिले ना तो तुम्हारा ये बंगला लिखवा कर कुत्ते की हालत बना देंगे.
कम ऑन जल्दी आ रहा हूँ। हेलो बॉस, उस सुंदर कन्या ने इनवाइट किया है तुम्हें नहीं मुझे। तुम कौन हो? मैं उस बटरफ्लाई का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या कह रहे? कब से चल रहा है? अरे इस ट्रेन में जब से जगह दिलाई तभी से चल रहा है। ये कैसा प्यार है बॉस, जो देखते ही लव। अरे बॉस, हमें तो टच करने से ही प्यार हो जाता है, चुम्मा देने से नहीं होगा क्या? ये कब हुआ? अरे यार, जब वो घूम रही थी तो उसके होंठ मचल रहे थे जो मुझे छू गए। फिगर कैसा है? सुपर बॉस, अरबी घोड़ी की तरह खाते पीते घर की है। मतलब बिना लिफाफा खोले अंदर क्या है जान लिया है ना? अरे वाह, एकदम सही बात बोला बॉस। उसे बोल दिया क्या? अभी तो बॉस, उसकी हाइट क्या है, साइज क्या है, उसका अपने दिमाग से अंदाजा लगा रहा हूँ। और जब प्यार का इजहार करूँगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, अपने होंठ काटेगी, अपनी कमर ढकेगी, उसके अंदर एक तरह का ज्वालामुखी फूटेगा। लेकिन कैसे शुरू करूं बस यही सोच रहा हूं। बॉस, इस तरह से ना। अरे 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 ये मेरी जलेबी को खाने के चक्कर में है। हटो हटो। बॉस, ये तो विश्वासघात है, ये बेवफाई है। कैसी बेवफाई? हम 10 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और तू कबाब में हड्डी। विजय, अपने साले को अभी दे देता हूँ। क्या मैं साला? मैं तेरी सिस्टर तो तू इसका साला हुआ ना। सुन भाई, जब तुम आओगे तो बिना भूले मैं कच्चे आम लेकर आऊँ क्या? अरे यार, खाने पीने का सामान लेकर आना। मेरी बटरफ्लाई तो उड़ गई। छे, अब मैं जाकर कौन सी लड़की पटाऊँ? कोई ना कोई नया जुगाड़ भिड़ाना होगा भैया। बस जीजू, सिस्टर, यू कंटिन्यू। पार्वती, क्या हुआ? अरे टाइम हो गया, जल्दी चलो बस ना। अभी आई। पहले हम मंदिर चलेंगे, उसके बाद शादी की खरीदारी करेंगे। विजय को फोन किया था। भाग जा, मैंने कहा भाग जा। कौन है इस तरह गेट पे चिल्ला रही है? पता नहीं कौन है। लाश की बदबू आ रही है, वो नहीं आने चाहिए। लाश की बदबू आ रही है। सुनिए, पूछिए तो कौन है, ऐसा क्यों बोल रही है? क्या बात है, किसे भगाना चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? जैसे किसी सांप ने जकड़ लिया हो वैसे इस पूरे परिवार की पीढ़ी तक को नष्ट करने की योजना बनाई गई है। भाई थोड़ा एक तरफ हो जाओ, तुम अंदर आ जाओ बेटा। आओ मैं। बहू बन के आना चाहती है? इस महीने में 2 अमावस है और उस दिन ये बुढ़िया क्या बोल रही थी पिताजी? अरे कुछ नहीं, तुम लोग अंदर जाओ। माया, तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी होने तक तुम्हारा ऐसा घूमना फिरना ठीक नहीं है बेटी, कहीं कोई बुरा साया छू न जाए, तो इसे अंदर लेकर जाओ। चलो जाओ बेटी। मुझे डर लग रहा है और यहाँ मुझे जिंदगी गुजारनी है।
हम लोग कैसे कैसे मस्ती से जिएंगे ये सोच रही थी। सोच रही थी चलो पति पत्नी जब घर में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं पता है ना? बोलो क्या करो? पहले मुझे पकड़ लो। ऐसे पकड़ कर? नहीं जानते, लंबी सांसें भरते हैं। सांस भर के मुझे रिझाओ ना। ऐसे ही ना। ए, तुम बहुत चालू हो, रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया। ठीक है तो फिर से सो जाओ। बस करो। ठीक है तो छोड़ दिया। ए, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए यार। अगर उससे मुझे गर्मी चढ़ गई तो क्या होगा? वही। पत्नी जब चाय बनाए तो पति पास में आकर क्या करता है पता है? क्या करता है? होठ से होठ लगाकर चीनी घोलते हैं। अभी घोलता हूँ। अच्छा ठीक है। ए, अच्छा ठीक है नहीं बोलते, गलत बात है। आओ एक बार फिर से नहा लेते हैं, बोलना चाहिए। अरे बाप रे। छोड़ो ना। ठीक है रहने दो। हे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, तुम क्यों छोड़ देते हो? हे, लाल लाल होठों से एक चुम्मा दे दो ना। नींद उड़ी नींद उड़ी तेरे ही संग आँखों से चली, तेरे बिना जो सांझ पड़ी तेरा ही नाम लूंगा हम दम। सुन लो सभी, पंखों की वो शहजादी उड़ी तेरे लिए, पागल हुई तेरा ही ख्वाब, हर पल हर दम तुझ में बसी, सांसें मेरी तेरे ही संग जियो सनम। दुनिया में तेरे संग जीना तुझसे है ये जिंदगी, तेरे बिना एंट्री किसी की ना होगी, तू ही है मेरा सपना।
ख्वाहिशें मेरे दिल में जगे, सनम जब से हो तुम मिले। आँखों से चली तेरे बिना जो सांझ पड़ी, तेरा ही नाम लूंगा हमदम। तुम सा ना होगा मेरे लिए कोई, तू ही है मुझ में बसी। मेरे दर्द का है तू ही एक मरहम, दिल यूं है जिद पे अड़ा। तेरी ही आवाज मैंने सुनी, लगी मुझको वो जादू भरी। चली तेरे बिना जो सांझ पड़ी, तेरा ही नाम लूंगा हमदम। सुनिए जी, विजय की शादी के लिए कपड़े जेवर वगैरह सब तो ले लिए हैं, अभी भी कुछ बाकी है क्या? सब ले लिया, बस विजय के हाथों माया को मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। एक मिनट, गाड़ी बुलाता ड्राइवर। या मेरे होते हुए तुम्हें और कौन याद कर रहा है? किससे पूछ के अंदर आए हो? बाहर निकलो यहां से। इन लोगों को यहां से निकाल कर गेट बंद कर दो। ये हमारा घर है और यहां हम लोग रहते हैं, हमें कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता हूं। ऊपर वाला भगवान हो या छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, ये गोत्रा ठाकुर लाला जब किसी को कर्ज देता है तो रिटर्न लिए बिना नहीं छोड़ता है। चाहे कोई कितनी ही इज्जत वाला क्यों ना हो, कोर्ट कचेरी के जाल में फंसकर हम दम तोड़ देते हैं। उसका निकलना नामुमकिन होता है जो एक बार मेरे जाल में फंस जाता है। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ना, तो फिर यहाँ क्यों आना हुआ? जिसने कर्जा लिया वो तो चुपचाप खड़ा है, कल की आई हुई छोकरी तुम उससे जुबान लड़ा रही है क्या? दरवाजा बंद करके अय्याशी कर रहे हैं? सुनो, मेरा ब्याज का पैसा तो दो। ब्याज ब्याज बोलकर हमारी जान क्यों खा रहे हो? आखिर पैसों की इतनी लालच क्यों है तुम्हें? तुम्हारा पैसा क्या हम सीने पे रख के ले जाएंगे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें झुलाते हुए तुम्हारे कान में विजय कह के पुकारा होगा, पर मेरे बाप ने ब्याज कह के पुकारा था। बात सुन, हमारे केस लड़ने के लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे परिवार में 3 लड़के और 1 लड़की को पैदा किया है। चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाओ, सारे कोर्ट में इस गोत्रा ठाकुर लाला का ही परचम लहराता है। देखना चाहता है? देखना चाहता है? मेरे ससुर ने ब्याज का चेक तो दिया था ना? ए, जो चेक रिटर्न हो गया उसकी क्या हम लोग पत्ती बनाएंगे? जी, विजय, इनसे क्या बात करनी, पिताजी को फोन लगाओ। फोन लगा रहे हो? हेलो, लाशें फोन अटेंड नहीं किया करती है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे माँ बाप को किसी लॉरी ने नहीं उड़ाया, वो मेरे पप्पा की सेटिंग थी।
ये मकान बनाते समय तेरे बाप ने किसी की भेंट नहीं चढ़ाई, इसलिए मैं तुम्हारी भेंट चढ़ा रहा हूं। दोनों इस गड्ढे में आराम से याशी करना। Thank you.
चाहे मैं किसी का घर लूं या किसी की जान लूं, ये ठाकुर लाला दक्षिणा देना नहीं भूलता है। चलो रे। ए बाबू लाला जी, कोई पार्टी बेचती तो बंगले का रेट अलग होता, वो मैंने लिया इसलिए कम कीमत पे दे रहा हूँ। कोई भी समस्या होगी तो ये ठाकुर लाला संभाल लेगा। ओके, तुम्हारी बात कोई टाल सकता है क्या? ठाकुर लाला की अपनी कोर्ट है, क्यों वकील? सही कहा सर, मरे हुए परमजीत का साइन किया हुआ एम्प्टी बॉन्ड पेपर हमारे पास ही तो है, मकान हमें बेचा है, लिख डालते हैं। ए वकील, आजकल तेरा दिमाग बहुत चल रहा है, एकदम लीगल बात की है। ये सब तुम्ही से सीखा है। ए वकील, एम्प्टी बॉन्ड पेपर पर साइन ले लेकर ही ये जायदाद बनी है। एक का चार करने वाले तुम्हारी इतनी जायदाद है तो बिनामी जायदाद का तो हिसाब ही नहीं होगा। ए, इस महीने का तेरा हफ्ता कट। सॉरी लाला जी, जबान फिसल गई। ए बाबू, रेट ओके तो दूंगा, नहीं तो बंगला तोड़ के 5-4 होटल बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, ये तुझसे नहीं होगा। उस मकान की तू ईंट भी नहीं निकाल पाएगा। अंदर जाके देख, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। लाला जी, ये बुढ़िया कौन है? इनकाउंटर कर दूं? ए, जाके एक बुढ़िया का इनकाउंटर। चलत। सॉरी लाला जी। डैडी, ये हमें डरा रही है, मैं खुद जाकर उस घर का सामान बाहर निकालूंगा, उसके बाद अगर ये बुढ़िया यहाँ दिखाई दी तो इसे मैं जिंदा जला डालूंगा। शाबाश बेटे, मेरे बेटे वाकई शेर की औलाद है। ए बुढ़िया, मेरा बेटा वहाँ का दरवाजा खोलेगा, देख लेना। रोकने का कोई उपाय हो तो बोलिए ना। हाँ है, मकान के चारों तरफ टोटका, जान चीर के ताबीज रखना होगा। मुझे शुगर की बीमारी है। कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो प्राणों की गारंटी नहीं। तुम्हारा दुश्मन कौन है पता है? देखो, दो भटक
भक्ति प्यासी आत्माएं तुम्हारा खानदान मिटाने के लिए जिद पर आई हैं। चंडाल, चंडाल, इस चाकू से इसकी जांग चीर कर मैं उसके अंदर ताबीज रखूंगा। वो इसे छू नहीं पाएंगे। चंडाल, 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 यस पूरी हैं? आज जो हम गाड़ी उठाएंगे वो ये वाली है। सीनियर, सारे एरिया में एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। हलवे की तरह गाड़ी उड़ाकर ले जाएंगे, क्या कहते हो आप? पूरी, बहुत दिनों से गाड़ी हमें चकमा दे रही है, आज गाड़ी उठाएंगे और कमीशन लेंगे। सही कहा, सही कहा। अरे ये पटाखे क्या सीनियर, इस एरिया में आज ही दिवाली है क्या जो पटाखे बजा रहे हैं? अब इसे क्या हो गया जब बीच रोड में खड़ा होकर योगा कर रहा है? ए जूनियर, यहां आ। हावी मुख्यमंत्री की जय। हावी मुख्यमंत्री की जय। जब सन्नाटा था, हमारा मुखिया पटाखे बजने लगे, ऐसा क्या? हमारा मुखिया। ए जूनियर, इधर आ। प्यारे भाइयों, शांति रखो, शांति रखो। मुखिया जी, अच्छा मुझे थोड़ा सा काम है, वो पटाखे मिलता हूँ, ठीक है? बहुत हो गया। बोलिए सीनियर। ये सब क्या है? चुप कर। ए जुमरी तलैया, तू इधर आ। उस्ताद, ये क्या रे, रिक्शे के चारों तरफ पटाखे क्यों बजा रहे हो? पैसे दिए बजाने के लिए। देखा, हम यहाँ आए थे लाला के लिए गाड़ी उठाने के लिए, और तू है कि यहाँ पे पटाखे बजवा रहा, तू सारा काम बिगाड़ देगा। हम लोग उठाने वाले हैं 100वीं गाड़ी, थोड़ी सी भीड़ जमा करके कल सीएम बन सकता हूँ ना, इसलिए बुढ़ियो थो ना। लाला हमको देता है 2000 या फिर 3000, इसमें से खा पी के हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पटाखे बजवा रहा है, विक को डाई करवाता है। दुनिया में विक को डाई करवाने वाला तू अकेला ही है। दिमाग है इसलिए करता हूँ, यहाँ क्या है? बात तो सही है। झुमरी तलैया, तू गेट के पास खड़ा रहा। ठीक है उस्ताद। जूनियर, सीनियर, इधर आ। हम जो गाड़ी उठाएंगे उसकी ओनर एक औरत है। वो औरत पूरी चमड़ी से जलवे बिखेरने वाली औरत है। अगर हमने उसके पास से गाड़ी उड़ा ली तो हम एक नंबर के उठाई गिरे हो जाएंगे। ये बात है। तो जल्दी काउंटडाउन का म्यूजिक शुरू। सीनियर, क्या हुआ? चिंता मत करो, ऐसी औरत और पुलिस थाने से मेरा पुराना संबंध है, ये सब जानते हैं यार। चलो अपना काम करते हैं। पैरों से सिग्नल दे रही है। सीनियर, एमआरएफ का सफेद टायर देखा है? देख लो। ये क्या, बहुत ही इतरा रही है। मेरी कंडीशन तो तुम जानते हो ना, मुझे छूने के लिए 500 रुपए, पकड़ने के बाद हाथ नहीं छुड़ाया तो और 500। यहाँ सारे काम रूल्स के मुताबिक होते हैं। ओके ओके ओके। इसे बाहों में भरने के बजाय कहीं जाके डूब मरे। मुझे नजदीक से मत देखना, गंदी हरकतें भी मत करना। ओके, गाड़ी ले जाने के लिए कितनी कंडीशन सौंप रही है, मैं इसे मार दूंगा। कमीशन है रे। सॉरी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। Come on, your countdown started. बाहों में भरने के 500 रुपए और रेप करने पर उसके लिए 7 साल की जेल। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से गाड़ी उठा पाएगा। डार्लिंग, 500 रुपए कहाँ है? पॉकेट में है। चलो 500 तो बन गए। चल अब हाथ हटा। मैं नहीं हटाऊंगा। अरे हटाऊंगा क्यों रे? क्योंकि मेरे पास 500 रुपए ही थे। तो क्या कह रहा है? तेरी तो, छोड़ मुझे। नहीं। छोड़ मुझे कहा ना, अबे छोड़ मुझे। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कमीने, छोड़। मैं उधारी नहीं रखना चाहता। अरे घूम रहा है। अरे वाह, चाबी क्या? अगर नहीं छोड़ा ना तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। तुम पुलिस स्टेशन ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे छोड़ ना। सुन बिजली, तुम्हारे अकाउंट में 2000 रुपए डाल दूंगा, इसकी कहानी खत्म कर दे। अबे छोड़ मुझे। छोड़। जूनियर, तुझे जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत मिली है, दिल खोल के ऐश कर ले। ऑल द बेस्ट जूनियर। चाबी में से भी खुशबू आ रही है। अरे सुन रहे झुमरी तलैया, उस्ताद गैजेट, गाड़ी स्टार्ट कर ले। ओके उस्ताद।
ये क्या गाड़ी में बिस्तर लगा रखा है? चल जल्दी गाड़ी निकाल। सीनियर, ये गाड़ी तो होटल के रूम की तरह है। रास्ते में एक लड़की चढ़ा ले। अरे रुक जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हो गया यार? अरे ब्लेड से काट दिया यार। इतनी बढ़िया खुशखबरी है, हम चलते हैं टाटा। सीनियर, अगले ऑपरेशन मुझे छोड़ के लाला के घर में जो भूत है भाग जा। छुमंतर भाग जा, छुमंतर भाग जा। ओम श्री काली। लाला के घर में जो भूत है भाग जा। लाला के घर में जो भूत है भाग जा। ए, ये क्या है? तंत्र मंत्र जादू टोने के टोटके लटक रहे हैं। लगता है कोई घर में ना घुस जाए इसलिए बांधे होंगे। हमें जरा सावधान रहना होगा। अंदर मत आना, रुक जाओ। ये सब क्या है? मंदिर का सारा काम घर के अंदर कर रहे हैं? आखिर चक्कर क्या है भाई? इस मकान के चारों ओर आत्माएं भटक रही है। आत्माएं? तू तो इस तरह बोल रहा है जैसे लाला के मकान में आतंकवादी घुस आए हो। लाला को देख के तो भूत वैसे ही भाग जाते हैं। पुजारी ने इस घर के चारों तरफ तावीज गाड़ के रखे हैं। इससे अच्छा तो लाला को गाड़ देते। जय चामुंडेश्वरी, जय चामुंडेश्वरी। कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता है। जय चामुंडेश्वरी, जय चामुंडेश्वरी, जय चामुंडेश्वरी। ए, तुम्हारे लाला के कुकर्मों से ना तो एलियंस भी डर के कांपते हैं। इनसे क्या बात करें, चलो अंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाला जी, लाला तो एकदम से डर गया। आ जाओ, आ जाओ। जय चामुंडेश्वरी। क्या लाला जी, पूरे घर में टोटके लगा रखे हैं? क्या बात है, किसी चुड़ैल को देख लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की आरती उतारते समय भाग्य लक्ष्मी की तरह आए हो। चाबी थाली में डालो। पूजा, 3 बादाम मिल्क लेकर आना। इसमें थोड़ा केसर भी डाल देना। देख लिया सीनियर, लोग दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। लाला प्रेत आत्मा देखने के बाद बादाम मिल्क भी लोगों को पिलाने लगा। कुछ गड़बड़ है। सीनियर, लाला के घर की लड़कियां ऐसी गोरी गोरी होती हैं क्या? खूब सारा केसर डाला है ना, ला दे, टीके लाल हो जाएंगे। चीयर्स। ये क्या, बादाम मिल्क में भी चीयर्स? अरे इतना ही नहीं, हम भले चाय पिए या टिक 20 पिए, सबसे पहले चीयर्स बोलते हैं। क्या हुआ? शादी की उम्र है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुमने टिक 20 की बात की तो मुझे फील होगा। ओके, सॉरी, अब से ऐसा नहीं कहूंगा। सो स्वीट। देखा ना सीनियर। ये क्या बे, तुझे देख के गुलाब जामुन से रस्ता पकड़ रहा। देखा, रियलिटी। किस दे दिया? सीनियर, कली जब खिलकर गुलाब का फूल बन जाती है तो तोड़ने वाला भी चाहिए ना, वो इंसान मैं हूँ। लेकिन तू तो बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा है। चलो मत सीनियर। ये पूरे 3,000 रुपए खूब एंजॉय कर। लाला जी, 3,000 तो बाहर निकलते ही खत्म हो जाएंगे, ऊपर थोड़ा और डाल के दो ना। इसके साथ में खूब एंजॉय। में बियर का ढक्कन में नहीं आता, ये एंजॉय करने वाला जी। इस 1 रुपए में हम लोग एंजॉय कर ले। एंजॉय करना, मस्ती करना, जाओ। ये प्रेत आत्मा से भी नहीं सुधरा, जोर का झटका नहीं लगा। बोल रहा है यार सीनियर, हम चाहे कितने ही इस लाला के तलवे चाट लें, एक बादाम मिल्क और एक 5 से ऊपर कभी ये बढ़ता ही नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया। कैसा आइडिया? झुबली तलैया, इधर आ। जी उस्ताद। डुप्लीकेट चाबी लगा के तू वैन स्टार्ट करके ले जा, शमशान घाट पे वेट करना, अपन लोग वहीं मिलते हैं। मीटिंग पॉइंट के लिए सुसाइड पॉइंट क्यों उस्ताद? ए जुबली तलैया, जो बोला वो करना, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? चल जा उस्ताद। कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। वो गाड़ी कौन लेकर गया? लाला जी, उसी औरत के लोग आके उठा के ले गए। मैं जाके छीन के लाऊं? हाँ, जाना जल्दी जा। चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1, 2 जाओ। सीनियर, एक पैसा भी खर्च के बिना, राशन कार्ड, आईडी, बैंक बैलेंस के बिना गाड़ी का मालिक बनने में कितनी खुशी मिलती पता है? तू नहीं बे, मैं मालिक हूँ। अपना
या 2 लाख का कर्जा उतारने वाला हूँ मैं। इस गाड़ी को चोर बाजार में बेचकर 5 गुना प्रॉफिट मिलेगा। अपना ध्यान पूरा बिजनेस पे रहना चाहिए। सीनियर, जरा वहाँ देखो, बिल्कुल स्वर्गलोक की अप्सराएं। अब तो हमारे रास्ते में ऐसी अप्सराएं आती रहेंगी भैया। हमें लिफ्ट मिलेगी क्या? सीनियर, जरा उसकी कमर तो देखो। आज तक कितने सारे हाईवे पर घूमा, पर किसी भी हाईवे पर मैंने ऐसा चलवा नहीं देखा। क्या तराशा है यार। सीनियर, लड़की बहुत सुंदर है, जब उसे छुएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। निकले थे चंदन की लकड़ी खरीदने, हाथ लग गया खरा सोना। सीनियर, 1 मिनट की भी देरी किए बिना इसे अंदर बिठा लो, मिलके मजा करेंगे। आज का दिन कितना शुभ है, 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में। आजा, अंदर आजा। बाबा, एक पार्टी मिल गई है। ये क्या पूरी, बाबा बन के कोई आ रहा है ना भैया? ऐसी लड़कियों के साथ रखवाली के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। अरे धंधे का असूल जो होता है, तुम चिंता मत करो जूनियर, बाबा को दारू पिलाकर हम लंबा कर देंगे। आओ बाबा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैठो। सारे लाला के नौकर हैं। प्रेत की तरह क्यों देख रहा है मैं? आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। आजा आप भी। तुम्हारे यहाँ बैठते ही गाड़ी है कंडीशन बन गई। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? इसके पास से तो चमेली की खुशबू आ रही है। बाबा, पटियाला पैक पियूंगा, बिना पानी के मिलेगा। वाह वाह, मन की बात छीन ली। मैडम, थोड़ी सी दारू चलेगी क्या? कभी कभी पीती है। अरे वाह, तो सारी मुरादें पूरी हो गई है, जल्दी निकाल। मेरी भी, मेरी भी। आ जाओ, आज लखपति बन जाएंगे। पूरी, संभाल के उतर यार। बाप रे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। क्यों रे, ये क्या रेलवे स्टेशन है? बस अड्डा है, जो लोग नजर आएंगे। जंगल है। हेलो, तुम्हारा सीनियर ग्रुप है? हाँ, सही का। ठीक है, 100 के नोट का नंबर 7BR323202। रात यानी दिन होगा। और दिन? रात होगी। दोपहर 3 कौवे। हे रेड्डी, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो। चंदन की लकड़ी का जंगल यही है क्या? ए, चंदन के जंगल के लिए भी 4 किलोमीटर जाना है। ओ, रंड्रा। सीनियर, इसने अपनी खोपड़ी पे त्रिशूल का निशान क्यों बना रखा है? ये इसलिए है कि इसकी खोपड़ी में कुछ तो नजर आए। अरे यही तो है रेड्डी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब रेडी है? माल तो दिखाओ, पैसा दे देंगे। चंदन की लकड़ी हमारी गाड़ी में है, पैसे दे दोगे तो आंध्रा का बॉर्डर पार करके हमारे लोग डोर डिलीवरी दे देंगे। रेड्डी जी, गाड़ी भर के चंदन की लकड़ी ले रहे हैं, ऑफर में 2-4 लकड़ी एक्स्ट्रा डाल देना। एक्स्ट्रा भी नहीं, फैक्ट्रा भी नहीं, मैं क्या घासलेट बेच रहा हूँ, चंदन का बिजनेस है। अरे रे, गुस्सा मत करो सीनियर, वो 2 लाख दे दो। क्या दे दो? दे दो, ये लो। गोविंदा गोविंदा, ये गोविंदा क्यों कर रहे हैं? अरे भागो 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 भागो। अरे बाप रे, ये पुलिस वाले कहाँ से आ गए? ये अचानक पुलिस वाले 2 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए चले गए। कैसे हो गया मेरे? हमारे पैसे चले गए ये सोच सोच के हम हैरान हैं, और तुम तो यहाँ पर हो? तुमने रेड्डी को देखा? हाँ देखा ना। ये पैसे देते ही सीटी की आवाज आई थी। हाँ आई थी, पुलिस आ गई, भागो भागो ऐसा बोला था। हाँ बोला था। ये क्या माया, जादुई शीशे में जैसे तुम सब कुछ देख लियो वैसा बोल रही हो, तुमने कैसे जाना? ये वो रेड्डी पूरे 10 साल से करता आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं तो गाड़ी घुमाओ, अभी वो पैसों का बंटवारा कर रहा हो। रेड्डी जी, वो लोग डुप्लीकेट थे, कैसे जाना? मेरे से जो चंदन की लकड़ी लेता है ना, वो एम्बुलेंस में आता है। लेकिन ये जो लोग हैं, पुलिस कब आएगी पुलिस कब आएगी ऐसा बोल के परेशान किया, तो मैं क्या क्या पता है, अपने आदमी लोग को पुलिस वाला बना दिया। 5 रुपए की सीटी से 5 मिनट में 2 लाख रुपए कमा लिए। माई लकड़ी बेच के कमाया कम रहे, पर सीटी बजा के बहुत सारा कमाया। बहुत चालू है। गोविंदा गोविंदा, ये लो तुम्हारा हिस्सा, ये लो पकड़ो। वो पैसे
वो तो मेरा है रे। भैया ये पैसा काफी नहीं है, थोड़ा और देने को बोलो ना। ए, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चुपचाप वापस लौट जा, नहीं तो मैं तुम लोगों को चंपेस्ता रूं। भाग जा तुम लोग यहाँ से। अरे अरे शांत हो जाओ, ये मार डालेंगे, भाग जाओ। एंड्रा मेरे को भया ले दा। अरे बाप रे, ऐसे देख कर थैंक यू माया, थैंक यू भैया। ऐसा क्या हुआ, तुम्हें देखते ही रेड्डी और उसके लोग चक्रवाती हवा की तरह भाग गए। हमने असली रूप दिखाया। तुम्हारा एक और रूप है। वो एकदम अलग है बॉस। माया की जंतर की आधी रात भी कट जाती और ये सांसें रुक जाती। दुश्मन हारेंगे जब भूत जीतेंगे, दुश्मन हारेंगे अरे भूत जीतेंगे। वादा अपना है ये तुमसे, देखो अपने दिल जाएंगे एक दिन मिल। बचेगा ना कातिल, अब काम नहीं मुश्किल। वादा अपना तो है तुमसे, ऐसा बदला लो दुनिया देखे। कातिलों की जान को लेके एक के बदले दो देके, हमको देख के दुनिया का बेरे। नाचे अब दबंग दबंग भी कापे, चुभते जब बन के काटे, देख के दुश्मन दूर से भागे रे। समझो ना कोई हमको बुजदिल, हम न डरेंगे अब जुल्म सितम से, जीतेंगे बाजी हम तो दुश्मन से। हम तो बंदे अपने ही मन के, देते नहीं धोखा हम अपना बन के। ओ बन के, ओ बन के, ओ बन के। परी है, परी है ये परी है हूर सी, नार नार ये नार चतुर सी। देखा इसे तो मैं खो गया, इसमें अदा है इसकी बदमाश। मेरी राजा बात मान ले, दिल में है मेरे तू ये जान ले। मैं भी तेरी जोगन बन गई भूतनाथ बन के। दो दिल में है मेरी जान, तेरे लिए जा दे दूंगा हाँ। तू जो बोले तो झुका दूं तेरे कदमों पे आसमान। तू मेरी मैं तेरी जा, तुझ पे ये चाकुर बा। तू साजन है मेरा, कर दे दुश्मन का खात्मा। दुश्मन मुझको ना पहचाने रे, बचेगा ना रे मुझसे कातिल। मरने से डरना, अब तो है हर हाल में लड़ना। कहीं भी कातिल छुप न सकेगा, कातिल को तो है अब मरना। बदले की ज्वाला है मन में, आग लगी है ये ही तन में। वो अब जिंदा बचेगा ना, आग लगा दी जिसने चमन में। नहीं हम सा तो यार नहीं तुम सा, ये जान लुटा देंगे तुम पे ये दिल है हम दम का। तेरा साथ है हर पल वे, है आज भी है कल वे। तेरे साथ चलूं तेरे साथ रहूं, तू जहां भी ले चल वे। नाम तेरा बस लिखा दिल पे रे, तुझ पे मरने की है आरज़ू। मैंने 10
10 लाख ब्याज पर लिया था। एम्प्टी बॉन्ड पेपर पे तुमने 10 करोड़ लिख दिया। प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगी। लाला जी, अगर मेरी बच्ची अरेस्ट हो गई, तो सारा पैसा चला जाएगा, हमारी इज्जत भी चली जाएगी। प्लीज लाला जी। 50,000 की साड़ी पहनकर लाला धोखेबाज है, ऐसा अखबारों में इंटरव्यू दिया था ना तेरी लड़की ने, तब अकल का चरने गई थी। 12 फिल्मों में एक्टिंग की है, 5 स्टार नाइट्स के लिए विदेश भी जाकर आई, नाच गाना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया है। तो कोर्ट में जा या जेल जा, मुझे क्या, बाहर निकल। पैसे लेते वक्त ये नहीं सोचा था लाला जी, जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बचा लीजिए। मैं दीवानी तेरे इश्क में फिल्म में जो तूने आइटम सॉन्ग किया था ना, उस गाने को देखकर फाइनेंस करने वाला मैं ही नहीं, मेरे दोनों बेटे भी दंग रह गए। सानिया, तो ऊपर लड़कों के साथ जाकर ब्याज के बारे में डिस्कस कर ले। लेके जाना। ये क्या, तो अपनी माँ को देख रही है? माँ से मुझे मूल धन की बात करनी है। जा, पहले ब्याज पर बात कर ले। अब जाना, ऊपर जा। अबे लेकर जाना, जा। चलो चलो, टाइम छोटी मत कर। घर में पाप से मुक्ति के लिए इतने ताबीज बांधे हैं, फिर से पाप करने पर क्यों तुले हो? अब ओके है, कोर्ट जाएगी या बेड पर लेटेगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बोलना। ओके। लाला जी, चंदन की लकड़ी आ गई। गेट ओपन करो लाला। लकड़ी लकड़ी चंदन की लकड़ी। जूनियर, लाला गाड़ी के बारे में पूछेगा, मैं गाड़ी गाड़ी बोलता रहूंगा, तुम चुपचाप रहना, ठीक है? ए सानिया, जाओ ना। अरे देख के पूरी, तू तो टकला है। अरे क्या सानिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं दीवानी तेरे इश्क में। आजा आजा। अभी तक बुला रही हो? तुम्हें देखकर पता नहीं दिल में क्या क्या होता है। ऑटोग्राफ लेने के लिए ना पेन है ना पेपर है। एक काम करो, मेरे सिर पर उंगली से साइन कर दो, एक सेल्फी लेकर फेसबुक पे डालूंगा, खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। चलो सानिया, तुमने मेरी सारी कुमारी उतार दी। हफ्ते में एक दिन आकर जाओगी तो ब्याज कम होगा, मेरा टेंशन भी कम होगा। ओके, अंदर कोई सामान है क्या? सामान नहीं है, तावीज है। कब रखा ये पता नहीं, बट नॉट सेफ, वी हैव टू रिमूव इमीडिएटली। अबे देख क्या रहा है, आजा आजा। क्यों बे, लड़कियों को ब्याज पर पैसे देकर पैसे के बदले उनकी इज्जत मांगेगा तू? ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसे मार दे। तेरे ऑपरेशन की जगह पैर में नहीं है बल्कि बीच में है। Thank you.
इंजीनियर, जंगल में रहने वाले शेरों की तरह हम तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन हम अकलमंद नहीं है। किसने कहा? सब कहते हैं। सिंघम पार्ट वन, सिंघम पार्ट टू डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बनाई होगी, लेकिन सिंघम थ्री वो हम तीनों बना के रिलीज करेंगे। ढिचकिया। सीनियर, सीनियर, अरे बोलना। लाला से एक्स्ट्रा पैसे मांगो तो देता है एक रुपए का सिक्का। उस एक रुपए के सिक्के को उछालने के लिए हम क्या शिवाजी फिल्म के रजनी खान है? सीनियर, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? लाला की लड़की को फांसने का? बहुत बढ़िया, मैंने फिल्मों में देखा है। उसकी लड़की के लिए ही तो मैंने नौकरी की। लाला के घर का सारा काम संभाल के उसका पार्टनर बन सकता हूँ ना। क्यों सीनियर? मेरे पास भी एक प्लान है। कैसा प्लान? आज तक बाइक उठाई, कार उठाई, ऑटो भी उठाई, लेकिन इस बार लाला को ही उठा लेंगे। लाला को ही उठा लेंगे तो हमें पैसे कौन देगा? है, उसके लड़के को फोन करेंगे तो भागता हुआ पैसे लेकर आएगा वो। तुम सीनियर नहीं, सुपर सीनियर। हम लाला को उठाएंगे कैसे? उसके चारों ओर तो बुस्टंडे गुंडे रहते हैं, फिर कैसे? उसका एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? कल सूर्य ग्रहण है, ग्रहण से आंखें चुंधियाने के डर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस मौके का फायदा उठाकर अंदर जाएंगे, लाला को उठा देंगे। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के फल मनुष्य के लिए ही नहीं, प्रेत आत्माओं के लिए भी फायदेमंद रहते हैं। मेरे दादा ने मुझे बताया था, जब आत्माओं को फायदा होता है तो हमारा फायदा क्यों नहीं होगा? हम लोग तो मनुष्य हैं। चाहे कितने भी शक्तियां आपस में मिल जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। पाप करने वाले के लिए यमराज मैं ही हूँ। उठा लो उसे। लाला, फोन उठाओ, 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 नहीं तो मर जाओगे। फोन उठाओ। हेलो लाला, रंगा पुजारी बोल रहा हूँ। बोलो पुजारी जी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। तब तो तुम्हारी जान खतरे में है। ये तुम क्या कह रहे हो? आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये ग्रह राशि बदलने का समय है। मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी क्रिया नष्ट हो रही है, तुम मरने वाले हो। तुम पूजा रूम में जाके ज्योति जला के छुप जाओ। Ugh!
उद्योगपति गोत्रा ठाकुर लाला के बेटे जगन की कुछ असामाजिक तत्व मर्मम हत्या करके मौकाए वारदात से गायब हो गए हैं। पुलिस तीव्रता से उनकी तलाश कर रही है। हत्यारे कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। ये हत्या किन कारणों से हुई है उसके लिए पुलिस जगन के फोन की जांच कर रही है। हत्या का हथियार बरामद नहीं हुआ है। क्यों रे, हम लाला को उठाने वाले थे, किसी ने उनके बेटे को ही उठा लिया। इसे क्या हुआ था, कोई ऐसे डांस करते हुए मरता है क्या? छी, उसका मुंह देखा, उसका थोपड़ा साफ बता रहा है किसी आत्मा ने पटक पटक के मारा है। मरकर भी मुस्कुरा रहा है। अरे यार, लाला चाहे कैसा भी आदमी है, उसका बेटा मर गया है ना, जाके उसे सांत्वना देकर उसे मिलकर आ जाए। चुप कर ना। अगर हम मिलने के लिए अंदर गए तो पुलिस हम पर शक करेगी और हमें अंदर डाल देगी। अरे बाप रे, वो इधर ही देख रही है। जया ने उसके लिए कैमरामैन राहुल के साथ दीपिका। हटो 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 हटो। पापा, ये सब कैसे हुआ? नहीं जानती, भैया के चीखने की आवाज आई, देखा तो वो मर चुके थे पापा। जगन, जगन, अरे कैसे हो? ये किसने किया कुछ पता चला? तुम्हारे बेटे की हत्या किसी ने लूटपाट के कारण नहीं की है। तुम्हारे घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हमने सबकी जांच कर ली है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है? तो उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है, उन दोनों ने ही मेरे बेटे की जान ली है। बताओ किसने? प्रेत ने। कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, एक हत्यारे को लाश की बदबू पसंद नहीं आई? मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, चमड़ी में ताबीज छुपाने से भी नहीं बचेगा। मेरे परिवार के बारे में तुम सब जानती हो, आखिर तुम हो कौन? उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मेरे दोनों बेटों की बलि चढ़ गई। अभी बलि चढ़नी बाकी है। तूने जो पाप किए हैं उससे तेरा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। पैसा, रुपया, जायदाद, बंगला, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मेरे बाकी दो बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तूने जो पाप किए हैं उसका सोच। मैंने लोगों की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय पूछता है?
वंश का एक वंशज तेरा इंतजार कर रहा है। सारे नीम के पत्ते कहां से मंगवाए? चारों तरफ नीम के पत्ते फैला के बैठे हो। आजा रे। बंगला लेने वाली पार्टी आई या नहीं? कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन से उस बंगले को हड़पा है, उसी दिन से मेरी शांति छिन गई। मेरे दो बेटे मर गए। जल्दी से वो बंगला बेच के देना। तुम्हारे उस विशाल बंगले में भूत प्रेत रहते हैं, ऐसी हवा फैला दी, अब कैसे बेचूं? ना कोई किराए पे ले रहा है, ना ही खरीद रहा है। अगर उस मकान में जाके कोई रहने लगेगा तो ही मानेंगे कि भूत नहीं है। दादाजी, आ गई चंडाल तिगड़ी। देखो, तीन बेवकूफ लड़के आए हैं, इन्हें राजी कर लो। अभी करता हूँ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादाजी, चेंबूर से गाड़ी उठाने के लिए कहा था ना, एड्रेस और एडवांस दे दीजिए। आहा आहा आहा, तुम्हारे धंधे पर मुझे गर्व है। देख लिया? हाँ देख लिया। खाना कहाँ खाते हो, तुम रहते कहाँ हो? लाला जी, इतने प्यार से तो कभी हमारे माँ बाप ने भी हमसे बात नहीं की। चने के झाड़ पे क्यों? पहले हम लोग स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वहाँ अंदर जाके बढ़िया से एसी कोच में जाकर लेट जाते थे, नई जाने वाली ट्रेन पकड़ के सो जाते थे, ऐसे ही रात गुजरती थी। इनके पीछे लगता है बहुत लंबी कहानी है। ये तो कुछ भी नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट का रेट भी बढ़ा दिया। हाँ। सोचा था बस अड्डे पे जाके सो जाएंगे। हाँ। तो रात को पुलिस वाले आकर के नींद से उठा देते हैं हमको। आज तक मैं अपना फायदा ही देखता रहा, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। लाला जी, हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। जब देखो लाला ओवर एक्टिंग करता रहता है, लगता है बनता काम भी बिगाड़ देगा। अब से रहने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे बंगले में जाके रह लो। आप तो हमारे लिए गॉड फादर के समान हैं। भले ही मुझे कुछ भी कहें, पर तुमने मुझे गॉड फादर कहा ना, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। पूजा, एक बार और बुलाइए। पूजा, जरा बंगले की चाबी लाना बेटी। तुमसे मैंने चाबी ही तो मंगाई थी। दरअसल पप्पा, ये जब भी आते हैं तो आप इनके लिए बादाम मिल्क मंगवाते हैं ना, इसलिए मैं पहले ही लेकर आ गई। ठीक है, दे दो। So kind of you. लगता है लाला की लड़की इनके चक्कर में पड़ गई। लाला जी, ये बादाम मिल्क पीने से ताकत आती है ना? सॉरी। फिर से ये लो चाबी। तुम बंगले में प्रेत से
बंगले में प्रेम से खुशी से रहना। कुछ भी हो, खेल शुरू हो गया है। आज तक सारे ताले हमने नकली चाबी से खोले हैं, लेकिन आज पहली बार असली चाबी से खोल रहे हैं। Start the count on music. Chinka 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 chinka. Open the gate. क्या सिम से? Chinka chinka chinka. मेरी एक बात सुनोगे? पहले तू बोल, मानूंगा या नहीं मानूंगा ये बाद में बताऊंगा। हम तीनों इस बंगले के चारों तरफ घूमेंगे, उसके बाद कीटनाशक दवा पी के मर जाएंगे। ए पुरी, ये क्या कह रहा है? और नहीं तो क्या, रात रात भर गलियों की खाक छानने वाले हम तीनों को इतना बड़ा बंगला देकर हमारी लाइफ सेटल कर दी है उस लाला ने। पुरी, ए पुरी, इस बंगले में हम तीनों पार्टनर है ना? जरा हटना सीनियर। क्या कहा, हमारी पार्टनरशिप? हम लोग क्या पैसे लगाकर व्यापार चला रहे हैं? ये मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है। तेरा दिमाग घूम गया क्या जो ऐसी बातें कर रहा है? सीनियर, अमीर लड़की से शादी करने के लिए मैं घर से भाग के आया। शादी के बाद घर जमाई बनूंगा, जायदाद मेरी हो जाएगी, तीन तीन गाड़ियाँ होंगी, बैंक बैलेंस होगा। ये सब हासिल करने के लिए ही लाला की चप्पल उठाता हूँ, मस्का लगाता हूँ। जानते हो किस लिए? कॉलेज पूरा होते ही मैरिज करने के लिए ही लाला जी की लड़की से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। सीनियर, देखना जल्दी ही एक सफेद घोड़ी पर सवार होके शेरवानी पहनकर मैं और पूजा दोनों फूलों का लंबा लंबा सेहरा बांधकर धूमधाम से शादी करेंगे गोरे चिट्टे लाला के परिवार में। मेरी तरह काला कलूटा एक शेर का बच्चा जन्म लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे रिश्तेदार भी मुझे लाला जी कहकर हाथ जोड़कर बुलाएंगे। नो, नेवर। क्यों? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शुरुआत में ही मूड क्यों खराब कर रहा है रे? इसलिए कि कोयले की खान जैसे तुझसे तो ये कश्मीर का एप्पल है ना, इससे शादी होगी तो वो लाला की लड़की को बहुत अच्छा लगेगा। लड़कियों को गोरे काले से मतलब नहीं होता, हार्ट से मतलब होता है। सुपर सीनियर, फाइव स्टार के होटल के बार की तरह है ये तो। यहाँ हमें पानी वाली भरने की जरूरत नहीं है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, ऐसे में कैसे आएंगे? चांद भी ऊपर है, आसमान भी ऊपर है। कुछ नहीं, इको 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 में आवाज गूंजती है। हा? ये तो वापस आ रही है। समथिंग रॉन्ग। अरे कहाँ गए? कहाँ चले गए? हमने तो ये रखे थे। हाँ भाई, क्यों भैया, हमारे अलावा कोई और भी इस घर में रहता है क्या? घर का बंदोबस्त तो हमने खुला था तो फिर कौन? हा? हा? बैग तो अंदर थे, बाहर कैसे आ गए? यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे बैग बाहर किसने डाले? ठीक है, ये बैग यहाँ कैसे आए? एक बैग मार के सोच। चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, मुझे बहुत जोर से यूरिन आ रहा है यार। एक काम कर, मेरा हाथ पकड़ के बाथरूम लेके चल और मुझे यूरिन करा के ले आ। ये क्या सीनियर, अभी तुमने ही तो मुझे बाथरूम ले जाकर यूरिन कराकर यहाँ लाकर सुलाया है, उसी वक्त तुम्हें भी धार मार लेनी चाहिए थी ना। मैं तुझे कब लेके गया बे? तो बाथरूम ले जाके मेरी अंडरवियर किसने उतारी थी? मैंने बॉस। ए, सीनियर को भी यूरिन पास करा के यहाँ लाकर वापस सुला दे। सो जाओ सीनियर। इस बंगले का वॉचमैन बॉस, इसमें जो बैलेंस है वो मैं ले लूं? ए पुरी, वॉचमैन दारू मांग रहा है यार। ए, अगर दारू को हाथ भी लगाया तो तेरा सर फोड़ दूंगा, बोल दे रहा हूँ। उसके सर पे फोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, बोतल की दारू भी गायब और आदमी भी गायब। पुरी सीनियर, मुझे लगता है जूनियर ने ही बोतल चोरी करके कहीं छुपा ली होगी। सो जाओ तुम अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भारी है भैया, जल्दी से इसे बेच दो भैया। बस क्यों रहा है? क्या पूरी, बहुत वजन है ना? मुझे लगता है पूरी, इसकी खुमारी अभी तक नहीं उतरी है,
इसलिए जरा संभल के चलना, कहीं काट टाले। अबे ओ जूनियर, कन्हैया लाल बहुत ही सेंसिटिव है, तू हंसेगा तो वो मर जाएगा। पैसे मिलने तक अपने दांत मत दिखाना, ओके? सुबह 6 बजे से उसका घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है ना। ये लड़की आ रही है, पूछो। अरे रुको रुको रुको, कन्हैया लाल जी का मकान कहाँ है? यही तो उनका घर है, ये वाला घर। हाँ, आजा, आजा, लोगों से ब्याज ले लेके कितना बड़ा मकान बना लिया इसने। सर जी, खुल गया। सांभळो तो, त्रण लोको आव्या छे। कौन है? उतारो, संभाल के रख। क्या चाहिए तुम्हें? रसगुल्ले खा के सेठ जी के गाल भी रसगुल्ले बन गए। चुप करना सेठ जी, इसकी बीवी की डिलीवरी है, ऑपरेशन के लिए इसके पास एक भी पैसे नहीं है। आप मेहरबानी करके ये रख के कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे की डीलिंग दुकान में, यहाँ घर पे पैसे की डीलिंग नहीं करता हूँ। प्लीज ऐसा ना कहो सेठ जी, प्लीज। सुनिए, ये पीतल का बर्तन है, बाद में हम इसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम चुप रहो। सेठ जी, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ही संस्कारी भी है। अब देखिए ना, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। सेठानी जी, आप इस बर्तन की जो भी कीमत लगाएंगी वो चलेगा, जाइए सेठानी जी। सेठ जी, आपके कुल कितने बच्चे हैं? एक ही प्रसव में 3। अच्छा, हाँ, उषा, मनीषा, विदिशा। अरे बाबा, सुपर, यानी कुल मिला के 3 ले लिया। आलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तिजोरी में से निकाल के लाई है। ए, ज्यादा मत बोल, बीवी ने कहा है इसलिए दे रहा हूँ। सेठ जी, कीमत बहुत कम लगाई है। ए, मैंने खरीदा, यही बड़ी बात है। शुक्रिया सेठ जी। चलो, सेठ जी, आपको अपनी लड़कियों के लिए, समझ लीजिए, लड़के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों रे? क्योंकि उनके लिए मुंबई में बॉलीवुड के 3 नौजवान जो हैं। कौन है वो? हम है ना। दफा हो जा, ए जल्दी उठा इसे, जल्दी से यहाँ से निकल ले। लोगों की नजरें ठीक नहीं है, जल्दी अंदर जा। 1, 2, 3 पूजा का दिया बेचने में तो मजा आ गया ना। हाय, हेलो बॉस। माया, 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 हम दोनों दोबारा मिलेंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी अंकल। माया, तुमसे आंध्रा बॉर्डर पर मिले थे, उसके बाद यहाँ मुंबई में मिल रहे हैं। तुमने क्या ऑल इंडिया परमिट निकाला है? भाड़े का मकान बजट में नहीं मिल रहा है। हम लोग एक बंगले में रह रहे हैं, वहीं चलोगे? बंगले का किराया तो बहुत होगा ना। क्या? ये क्या भैया, भाड़ा, एसी, वाटर और बिजली, एवरीथिंग फ्री है बिकॉज ऑफ माया। ओके बोलो माया। ओके। अच्छा सीनियर, हम लोग उन्हें ऑटो के पैसे और पता देकर आए थे, वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो कहीं भाग तो नहीं गई? क्या भाग गई? वो घर ढूंढ रही होगी। हाँ। इतना ही नहीं, वो संस्कारी भी तो है। लेकिन देखना, आएगी जरूर। देखो, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो नहीं आई तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगा। पीने का पानी खराब मत करना। अच्छा, पहली डीलिंग किसकी? और किसकी? मेरी, मेरी डीलिंग। खींच के। तेरे पास कितने हैं बे? मेरे पास 300 रुपए हैं। अबे 300 रुपए में तू घुटने तक ही देख पाएगा? तेरे पास कितने हैं बे? मेरे पास 3,000। तेरे पास इतने कहाँ से आए? माया से आंध्रा में मिला था ना, तभी मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया था। तो तुम्हारे पास कितने हैं? एक बियर है। बियर? तेरे पास 300, तेरे पास बियर, मेरे पास 3,000, तो पहली डीलिंग मेरी होगी। इसमें सीनियर जूनियर कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हे, लगता है वो आ गई। हमारा फसाना आ गया है। वो मुझे ही ढूंढ रही है। तुझे नहीं, वो मुझे ढूंढ रही है। क्यों भैया, हमारी डीलिंग तो माया के साथ हुई थी ना, तो फिर मेरी लवर के साथ ये क्यों आया है? पूरी, मैं उसे मार के खदेड़ दूंगा, मेरी लवर के साथ वो नहीं होगा। तेरी लवर है, इसकी लवर है, मेरी लवर, ये बात में देखेंगे। पहले उसे अंदर भेजते हैं, बाकी बात में देखेंगे। चलो, माया, इस घर में आज तक किसी कन्या ने कदम नहीं रखा, यहाँ आने वाली पहली सुंदर कन्या तुम ही हो। सुंदरता अपने साथ कयामत भी लेकर आती है, संभल के रहना। ओके, ये बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची
छोड़ के जा रहा है। भैया माया को अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहिए, हम बाद में बात करेंगे और आप जाके स्टोर रूम में सो जाइएगा। माया आके मैं बहुत खुश हो गया हूँ। बेबी नीली नीली आके गोरे गोरे गाल। गाना मैं भी गाता हूँ माया। जूनियर्स अब हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। 1 2 3 अबे इसे देख, तू नहीं कर रहा है? मैं यहाँ अपनी पावर वेस्ट नहीं करूंगा, ऊपर उसके बेडरूम में। अपनी पावर वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी पावर को बचेंगे वक्त आने पर। अब एक बात सुन, फुग्गे तो लेकर आया ना? चेक कर लो सीनियर। सुबह सुबह सेठ को बेच कर आए थे, वो यहाँ कैसे आ गया? कहीं सेठ भूल से वापस यहाँ रख के तो नहीं चला गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, कल फिर से ले जाके बेच देंगे। अगर एक दिन भी चूक हो जाए तो पूरे महीने का ब्याज वसूलता है ना सेठ, उस पर तो रहम खाना ही नहीं चाहिए। आज इस बुरी आत्मा का पूरी तरह अंत हो जाएगा। ये जो पूजा की सामग्री है, इसे इस घर में रखते ही उन दोनों की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बोलो लाला जी। इस घर में प्रेत है कहेंगे तो तीनों भाग जाएंगे। दूर दृष्टि के लिए रखने आए हैं, ऐसा बोलना ठीक है? ए हॉर्न बजा। इस समय हॉर्न बजा के कौन डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है लाला आया है। हाँ भैया, ये क्या पूरी गाड़ी को टोटकों से लपेट रखा है? आओ लाला जी। पूरी संभाल। ठीक है मैं संभाल लूंगा। आइए लाला जी, आइए आइए। घर में तो तावीज लटका रखे थे, ये गाड़ी में भी क्यों लटका रखे हैं? बंगले में कोई समस्या है क्या? सपने में कुछ दिखता है क्या? सपने में? आँखों में कुछ चुभता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ए लाला, लोगों को बंगले में रख के भगाना चाहता है? तेरी तंत्र शक्ति मंत्र शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या सीनियर, तुम्हें देख के सब लोग भाग क्यों गए? पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम से छू मंतर हो गए, कम से कम मुझसे बोल के तो जाते। मुझसे बोल कर गए हैं? तू कौन है रे? इस बंगले का वॉचमैन। जब हम आए थे तब तो नहीं था। आए तो बाथरूम गया था, वापस आए तो तुम नहीं थे। क्या ये वॉचमैन एकदम से बम फोड़ रहा है? ठीक है, बातचीत बहुत हो गई, सीमा के अंदर आओ। तू सीमा में बुला रहा है? लाला सीमा पार कर चुका होगा। सीनियर वहाँ देखो, लाला प्रेत आत्मा से डर के छुप के बैठा है। लाला जी बाहर आओ, लाला जी कम ऑन, लाला जी बाहर आ जाओ। पापा बच जाना। पापा नहीं, तू रूप बदल कर आया, तू भूत है, तू भूत है। लाला बहरा हो जाए वैसे जोर से चिल्ला के बोलते हैं, जिसे सुन के शमशान के भूत भी बाहर निकल कर नाचने लगे। स्टार्ट द भूत म्यूजिक। पहले पाप करते नहीं पाप से ये डरते, भगवान की शरण में आते हैं रोते रोते। पहले पाप करते नहीं पाप से ये डरते, भगवान की शरण में आते हैं रोते रोते। Let's start music. बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो। बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो। ए, आज मेरा सामना भूतों से होगा रे, तुम दबा के भागेंगे आज भूत सारे रे। आज मेरा सामना भूतों से होगा रे, तुम दबा के भागेंगे आज भूत सारे रे। बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो। बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो।
devil. आर पार होगा अपना सामना, तू तोरे फाल तुम्हें कांपरा, मंत्र से कम हो तेरी पीड़ा, हाँ हमने उठाया ये बीड़ा। तूने ओ सुन क्या अंधेर किया, पाप का होगा तेरे अब फैसला, छुड़ूंगा ना मैं भूत को आज, खोल दूंगा सारे राज, सील मैं कर दूंगा सारा एरिया। बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो, बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो। खुशी रे छीन लूंगा तेरी ये हसी रे, क्षमा याचना कर ले सुंदरा, वरना न छोड़ेगी ये वसुंधरा, पाप जो किए है तूने उनको दे चुका, काल का ये चक्कर अब उल्टा घूम रहा, जैसा करो वैसा भरो, काल के साए से डरो, जिंदगी का है ये फलसफा। बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो, बोलो बोलो बोलो, जय 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 बोलो, पाप से मिले मुक्ति तो जय जय बोलो। बोलो बोलो बोलो, 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 बोलो बोलो बोलो। आई लव यू टू यार रानी, इस डगलस को एक बार फिर से आई लव यू बोलना। डगलस, तू यहाँ क्या यार, कैसा है तू? बस जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार रहा हूँ, अब तू आ गया ना, फिर क्या है यार? वो तो ठीक है डगलस, ये बता ये चाय की दुकान किसकी है? मेरी है यार। क्या, तू चाय की दुकान का मालिक? हाँ। ठीक है, हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, इसके पहले तू 3 वड़े का ऑर्डर कर दे। आजकल उड़द की दाल के बदले चने की दाल मिलाकर वड़े बनाते हैं, उसके साइज के साथ साथ उसके स्वाद में भी बहुत मजा आता है। 3 वड़े, क्या हुआ, लगता है बड़े आने में टाइम लगेगा। तो ठीक है सीनियर, खाने के लिए रानी से कुछ और मंगा लेते हैं। चुप करना। करेक्ट, अंतरात्मा हिल जाए वैसा कुछ लेके आ। क्यों भाई, खुद तो आत्मा के बंगले में रह रहे हो और यहाँ आकर अंतरात्मा हिलाने की बात क्यों कर रहे हो? ए डगलस, ये क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या भैया, तुम जिस बंगले में रहते हो उसमें प्रेत आत्मा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुंधति की आत्मा से इस आत्मा का कनेक्शन भी है, और इनके साथ साथ चंद्रमुखी की आत्मा भी रहती है भैया। उस घर का मालिक कैसे मरा ये हम में से कोई भी नहीं जानता, वो घर हड़पने वाले लाला के बेटे कैसे मरे ये भी कोई नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, वो घर बिकवाने वाला ब्रोकर कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। वो भी मर गया क्या? हाँ भैया, गेट अपने आप खुलता है, अपने आप बंद हो जाता है, रात के 1 बजे मोहल्ले के सारे कुत्ते एक साथ मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। उस आत्मा का कुत्तों के साथ भी कनेक्शन है। कनेक्शन है? तुम तीनों में ज्येष्ठ कौन है? हम तीनों ज्येष्ठ हैं। ओ, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं? उस आत्मा को ज्येष्ठ ज्यादा पसंद है। इसने विग पहनी हुई है। तब तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये बताओ, उस घर में वॉचमैन है क्या? उसे क्या, रोजाना 40 पराठे खाता है और खाली कर देता है 5 मिनट में। ऐसा नहीं हो सकता। सुबह सुबह चाय पीने का मूड है, ये सब बोल के मूड खराब मत कर, बोल देता हूँ। डगलस, तेरा सारा उधार चुका दिया यार, अब भूत की कहानी बोल बोल कर डराना नहीं। नो। आलो इसे। ये क्या, बड़े ही दे रही हो ना, खाने के लिए डरानी आवाज में क्यों बोल रही हो? छे, ये लो खाओ, ये लो, मैं भी खा के देखता हूँ, ठीक है? रानी, ये बड़े में बाल कहाँ से आ गए? मेरे बड़े में भी बाल है। तो क्या यही रानी के स्पेशल बड़े हैं? बड़े की एक कला है पिचकाने की। ये बड़े कहाँ पिचकाए जा रहे हैं? चल देखते हैं। दिमाग घूम गया। अबे ये स्पेशल बड़े नहीं, पागल बड़े हैं। हमें भूत प्रेत की कहानी सुनाकर यहाँ एक टुंडे का भूत रखकर पागल बड़े बनवा रहा है। एस्केप।
सीनियर, हमारे इस त्रिशूल के सामने कोई आत्मा आ सकती है क्या? दुनिया का कोई भूत नहीं आ पाएगा। सीनियर को देखने से लगता है जैसे वो हमारा बॉडीगार्ड हो चंडाल की तरह। जीप निकाले तो और अच्छा रहेगा। सूप बना के पी जाएगी। हे जूनियर्स, इस घर का ये रूट हमारे लिए भी नया है। ये आत्मा को पता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं पता। हाँ। हमारे पास पावर जो है ना। यहाँ कोई डर के मारे छोड़ रहा है, बिना बदबू के चलो। कोई और नहीं, तू ही है। पता चल गया? पता नहीं, सुना ही दिया। बोलो सीनियर। ये क्या रे? इस घर में कहीं से भी घुसो सीधा हॉल में ही पहुंच जाते हैं। सीनियर, ये घर बनाने वाले को जरूर कोई प्रेत आत्मा चिपकी है। हाँ यार। बॉस, इस घर में पूरे 10 रूम हैं और 8 एसी हैं। बहुत बड़ा घर है बॉस, चाहे कहीं भी जाओ लौट के इसी हॉल में पहुंचोगे। ये बताओ, ये तुम कैसे जानते हो? इस घर में जब तुम लोग नहीं थे तो यहाँ घूम घूम कर हमने देख लिया था। खैर वो छोड़ो, माला वाला पहनकर पूजा करने आए हो, बात क्या है? इस घर में प्रेत है ये बाहर के लोगों ने बताया, और वो भी दबंग प्रेत आत्मा है। इसमें दबंग क्या, भूत तो भूत ही होता है ना। भूत से तुम्हें डर लगता है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन में बिस्किट ले जाकर भूतों को खिलाता था। बॉस, सीनियर भूत को बियर भी पिलाता था, लेकिन मैंने भूतों को बिस्तर पर लिटाकर उनकी डिलीवरियां कराई है। आई एम अ डॉक्टर, डेविल डॉक्टर। तो तुम भूतों की डिलीवरी भी करवाते हो? या माया, तो फिर माथे पे ये तिलक क्यों? फैशन है, इस फैशन का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है इसलिए। भूत किसी और धर्म का हुआ तब तुम क्या करोगे? बाबा मखदूम शाह की दरगाह का ये ताबीज है ना, ये सबरी मलाई की विभूति है। नहीं नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, चाहे कैसी भी आत्मा हो उसे काबू में कर लूंगा। अगर वो आत्मा तुम्हारे ऊपर चढ़ गई तो? उसके लिए भी रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? आत्मा हम पे चढ़े उससे पहले हम आत्मा पे चढ़ जाएंगे। सीनियर, माया को कुमकुम दो। ये लो, ये हनुमान मंदिर का है, इसे रख लो, भूत भाग जाएगा। सॉरी बॉस, एक मिनट। उसकी कोई जरूरत नहीं, इतने सारे हथियार हैं तो भूत नहीं आ पाएंगे, वो सब साइड में रख दो। ओके बॉस। ओके बॉस। माया, हम लोग तो एक एक पैक मार के फ्रेश हो गए, हमारे लिए एक गाना गाओ ना माया। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब है पहरेदार। हाँ, सब है पहरेदार। मुझे गाना नहीं आता। अरे बाप। अरे तो क्या हुआ, डांस तो कर सकते हो ना। मुझे डांस भी नहीं आता, तुम कहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहानी? विश्वामित्र की कहानी या काल्पनिक कहानी? अपनी खुद की कहानी। ओ, फ्लैशबैक कहानी। स्टार्ट कहानी। मीरा और विजय का जो मिलना है वो पिछले जन्म का कोई पुण्य है या अगले जन्म का कोई रहस्य है पता नहीं। बचपन से ही मुझे तीन चीजें बहुत पसंद थी, कच्चा आम खाना, बास्केटबॉल खेलना, विजय के पीछे पढ़ पढ़ के उससे लव करना। Thank you.
तुम एक बात जानती हो माया? कौन सी? गर्भवती औरतें ही कच्चा आम खाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये बात है विजय? चल हर। हमारे प्यार को दोनों घरों ने स्वीकार किया, लेकिन शक्ति ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। हे विजय, नहीं, मेरी बात मान, रहने दे। संभल के। ये क्या शक्ति, टक्कर क्यों मारी? मेरे छोटे भाई में तुझे फूल दिखते हैं और मुझ में कांटे दिखते हैं। अब से तू सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी, समझ गई ना? काली मिर्च के ही ये लेग पीस बहुत बढ़िया है। भैया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जा जा, मलाई जैसी लड़की के हाथ लगी, तेरा भाई दुश्मन हो गया है ना? उस दिन स्कूल से मैं बहुत डरे हुए घर पहुंची। देख मेरे पास मत आना। शक्ति, ऐसे चिल्लाना बंद कर। लाल लाल होठों से इसी समय मुझे चुम्मा दे दे। जल्दी दे मुझे चुम्मा। शक्ति प्लीज। जब मुझे इसे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन तेरी इस जवानी का पहला रस मैं चखना चाहता हूँ। छोड़ उसे, दूर हट, बाहर निकल, बेटी तेरा। मारो इसे, इतनी बड़ी गलती करके चुपचाप बैठा है, मार डालो इसे। ऐसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा है, मार डालो। मेरी कोख से जन्म लेकर कैसे लाश की तरह बैठा हुआ है ये, इसी कोख से उसने भी तो जन्म लिया। ऐसा घिनौना काम करने का तुझे सूझा कैसे? अरे माया, हमारे घर के होने वाली बहू है, मार के निकालो इसे यहाँ से। उसे माफी मांग, जाके माफी मांग। जाता क्यों नहीं? बस बस कीजिए, रहने दीजिए। मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, इसको पिटते हुए मुझसे नहीं देखा जा रहा है, छोड़ दीजिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये औलाद है? अरे औलाद ऐसी होती है? जा, जाके माफी मांग। तुझे पैदा करने से तो किसी कुत्ते को रख लेते, जानवर कहीं का। घूर मत मुझे, ये बाप तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब खड़ा होकर देख क्या रहा है, चल निकल निकल। क्यूरी, मेरे घर वालों की नजरों में मुझे गिरा कर बाहर निकलवा रही है। मेरी आंखों से भले ही ये दुनिया उछल हो जाए, तेरा शरीर नहीं होगा। आऊंगा, फिर से आऊंगा मैं। अब जा,
भाग जा यहाँ से, अब यहाँ पे कदम मत रखना, भाग जा कमीने, कहीं जाके मर जा, बाहर निकालो इसे। भैया चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने जो किया वो एकदम गलत है। मेरी और विजय की जब शादी होने वाली थी, तभी गोत्रा ठाकुर ने हमें मारकर दफना दिया। उससे बदला लेने के लिए ही हमारी आत्माएं भटक रही हैं। क्यों भैया ब्रोकर? हाँ जी। मेरी लगाई कीमत पर ये बंगला पटेगा? ये क्या, जब वो पट गई तो क्या बंगला नहीं पटेगा? आप अंदर जाइए, मैं जरा एक बंगले की फोटो खींच के आता हूँ। अंदर जाकर बंगला तो देखने ही वाले हैं, तो फिर फोटो किस लिए? अगर आप जैसा ग्राहक छोड़ कर चला गया तो दूसरे ग्राहक को व्हाट्सएप पर फोटो भेजने के लिए। जोर से खींचना। अब तो ये घर अपना घर है। सोचा दूसरा घर दिला दूं, पर चुड़ैल का घर खरीदने के लिए चुड़ैल की तरह भटक रही है। मैं सेल्फी लेता हूँ। हे शालू, वेट यार, चलो जल्दी आओ ना। ये क्या, फोटो तो आया ही नहीं, गेट खोलते ही खेल शुरू हो गया क्या? जय चामुंडेश्वर, अपने संतान की रक्षा करना। मेरी संतान है? ये क्या, ये किसकी आवाज है? ओहो, तुम भी मुझे डरा रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं अगर अंदर जाके जिंदा वापस आ गया तो एक हट्टा कट्टा मुर्गा खरीद कर तुम्हारे पैरों में गिर के उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ए ब्रोकर, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलूं? अभी खोलता हूं। ये क्या, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये क्या ब्रोकर, दो जुगाड़ लेकर आया है? जुगाड़? ये घर देखने के लिए वो लोग आए हैं, लाला ये बंगला बेच रहा है। क्या कहा, लाला बंगला बेच रहा है? तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? फिर से प्लेटफॉर्म पे ही जाके रह लेना। सीनियर, मेरा कंजूस ससुर ये बंगला बेच रहा है। क्या कहा, ये खरीदने वाला जानवर कौन है? वो आ रहे हैं, ब्रोकर लेके आ रहा है उन्हें। तो खरीदने वाला यही है, अच्छा है ना? क्या ये अपनी लड़की के लिए खरीद रहे हैं? किसकी लड़की? क्यों टेंशन ले रहे हो, रुको मैं बात करता हूँ। ओहो, वो उसकी वाइफ है, दूसरी वाली। अरे क्या, दूसरी चैनल है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। अरे बाप, चालू तुम बताओ ना, दुनिया में बंगला पसंद आया ना? लाला तू अकेला है? ए ब्रोकर, इन्हें पूरा घर दिखा दे। लाला ये घर कैसे बेचता है हम भी देख लेंगे। आइए मैडम, आइए आइए। देखो, इस घर का जो पानी है नर्मदा नदी से वसई और मीरा भयंदर पार करते हुए यहाँ पहुँचता है। मैडम जी, तो खमन और ठेपला मस्त बनेंगे, मजा आ जाएगा। कितने समझदार है, देख लिया? सही कहा मैडम, भले तुम इनकी दूसरी हो पर बहुत समझदार हो। बस क्या कम लगाओ, जल्दी से पानी दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तो नहीं है। दरअसल बात ये है कि घर में क्या हुई थी ना, तो चारों तरफ कुमकुम छिड़कने के लिए कहा था, नौकरानी ने बचा हुआ टैंक में डाल दिया, इसीलिए लाल खून की तरह दिख रहा है। चलिए मैं बेडरूम दिखाता हूँ, ज्यादा मत देखिए। चलिए 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 चलिए। अपने आप रुक गया। आइए मैडम आइए। शालू देखा, बहुत ही सुपरमैन है। जी हाँ सही कहा, ये देखिए, ये जो खिड़की है, इस खिड़की को खोलने से जन्नत की हवा इस कमरे में आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ जो है ना, उस खिड़की को खोलने से समुद्र की ठंडी हवा अंदर आएगी। एसी की तो जरूरत ही नहीं है। ये क्या, खिड़की अपने आप खनक रही है? साइलेंट प्रेत आत्मा अचानक वायलेंट हो गई क्या?
ये लोग कहाँ चले गए? इनके भरोसे ही तो आया था। मैम मैम मैम, ओहो बाप रे, ओहो जरा से कमीशन के चक्कर में मैं यहाँ आकर क्यों फंस गया? ये लोग अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जब अकेले बात कर रहे थे तो उसी गैप में हमने खेल खेल लिया। खेल खेल लिया? ओहो मेरा दिमाग घूम रहा है। क्यों? तुम्हें बीपी है क्या? बीपी नहीं है, स्पिरिट है। क्या? क्या? स्पिरिट है? स्पिरिट है? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। दरवाजों पर लगाने वाली स्पिरिट कहा। चलो चलो मैं तुम्हें किचन दिखाता हूँ। चालू चालू आइए आइए आइए, आराम से आइए। चारों तरफ देख लीजिए, ये जो है यही इस बंगले की किचन है। अरे बाप रे, मुझे क्यों मारा? इस आइटम की मैं सेटअप हूँ और मेरे बटक पर मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? बाप रे किसने मारा? ये घर बेच रहा है, तुम्हें घर खाली करना होगा बॉस। हाँ क्या बात है बॉस, तुम कौन हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग, हम लोग इस घर से बाहर क्यों जाए? ये हमारा घर है। तुम हम लोग मना कर रहे हैं। कौन बेचने आया था? ब्रोकर। इस घर में मैं और माया खुशी से रह रहे हैं। हमारा ही घर है। कोई अंदर नहीं आ पाएगा। भागो यहाँ से। हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या? अब बेटा कोई टोटका नहीं है। माया तू चुड़ैल है। ये लो तुम्हारे बंगले की चाबी। उस घर में भूत है, जानकर ही हमें रहने के लिए भेजा। भूत से क्या हम कबड्डी खेलेंगे? वो तो माया का भूत था, हमें छोड़ दिया। दूसरा भूत होता तो हमें चीर देता। तुमने भूत को देखा? हमने भूत को देखा लाला, वहाँ से जो भागे हैं तो यहीं पर आकर रुके हैं। और लाला ये चाबी लेकर हमारा सेटलमेंट कर दो, हम लोग जा रहे हैं। उस आत्मा को भगाने का उपाय बताए बिना जा रहे हैं बोल रहे हो? बाहर जाकर करोगे क्या? मैं फिल्म बनाऊंगा, इसको हीरो होगा। उसके लिए रोकड़ा चाहिए ना। अरे फाइनेंस करने के लिए तुम हो ना। ए पुरी, तू क्या करने वाला? मैं क्या? मेरी तो पांचों उंगली घी में है। उस ऊपर वाले ने मेरे लिए कुबेर का खजाना जो खुला छोड़ रखा है, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? क्या बात है, तेरी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग कुछ विचित्र। अरे लाला शक क्यों कर रहे हो? चाहो तो मुझे दफना के देख लो। ऐसे ही बोला, गुलाब बन जाऊंगा। तो गुलाब बन या कांटों की झाड़ी बन, यहीं रहे, हिसाब के पैसे लेके आता हूँ। लाला एक जरूरी बात है, बैठो। क्या है? तुम वो बंगला बेच दो या तुलवा दो, हमें कोई चिंता नहीं। पहले वहाँ का वॉचमैन बदलो। वॉचमैन है? मैंने तो कोई वॉचमैन नहीं रखा, पुराने वॉचमैन को मरे 7-8 महीने हो गए। तो हमारे साथ जो था, हमारे साथ जितने दारू गटकी, वो क्या भूत था? लाला बंगले के अंदर माया का भूत, वॉचमैन का भूत, अरे बाप रे हम इन सब के साथ रह रहे थे। वो भूत कहता है कि वो बंगला उसका है, नो ऑब्जेक्शन लेटर ले लो। तुम कहते हो बंगला तुम्हारा है, चाहे किसी का भी हो, उन्हें मारने वालों को वो जान से मारे बिना छोड़ेंगे मार नहीं। के ही दम लेंगे। पूरब दिशा में उसे ढूंढते हुए जाओ। वो जैसा कहेगी उसके मुताबिक होने के लिए वो बुढ़िया क्या कोई देवी का अवतार है या कोई बड़ी मंत्रवादी है? काम क्या है वो बता। एक परमजीत से 10 करोड़ रुपए निकलते थे, जब मैंने मांगे तो पुलिस कोर्ट की धमकी दी, मरवा दिया उन्हें। बाद में समस्या ना हो इसलिए उसके बेटे विजय और उस पर जान छिड़कने वाली माया को भी जिंदा दफना दिया। विजय और माया की आत्मा ने लाला के बेटों को मार दिया। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा तुम्हें ही करनी है। मेरे मंदिर को तोड़ कर, मेरे कुलदेव को मार कर, अब यहाँ आकर
मुझसे अपनी रक्षा करवाना चाहते हो। तुमने जिस माया को मारा है वो इस दिल में बसा करती थी। तो तू कौन है? उसी परमजीत का दूसरा बेटा, शक्ति, महाशक्ति। को मारकर शक्ति हमें ढूंढता हुआ आ रहा है। जानती हूँ, मैं आत्मा हूँ, जानकर भी अपने वश में करने के लिए नर बलि चढ़ाकर दुष्ट आत्माएं वश में करके इतने सालों से शमशान में अघोरी बनकर रह रहा था। अब आत्मा का अघोरी के साथ महायुद्ध शुरू होगा। अगर नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसे मार डालूंगा। भाई है तो क्या हुआ, मार डालूंगा। विजय, हम भले ही आत्मा बनकर जिए, बिछड़े बिना जिएंगे। काली।
यहाँ क्यों आया है? यहाँ अपनी माया से मिलने आया हूँ मैं, तेरा भाई बनके नहीं आया। अघोरी बनके आया हूँ, बाहर निकल। माया शरीर प्राण आत्मा सब कुछ तू ही है माया। आ जा, कहाँ छुपी है तू? कहाँ है तू? ए माया। माया माया माया। विजय कहाँ है? अरे वाह, उम्र बदलने पर भी सुंदरता और खुशबू वैसी ही है। कहाँ है विजय? वो मेरी तंत्र शक्ति से बेहोश हो गया है और अब वो तेरी बाहों में कभी नहीं आ पाएगा। अगर उस दिन तूने मुझे पकड़वाया नहीं होता तो मैं अघोरी नहीं बनता। इतने साल शमशान में जो मैंने तपस्या की वो सिर्फ तुझे हासिल करने के लिए ही। आया आजा। जी, मैं एक आत्मा हूँ। तू भले ही दूसरों के लिए आत्मा है लेकिन इस अघोरी के लिए स्वर्ग सुंदरी है। एक बात है, मरने के बाद तो और भी खिल गई है। मुझे घायल किया तूने। आजा आजा आजा। ए शैतान, तू इतना क्यों चल रहा है? मेरा कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो क्या हुआ? अपने अरमान तो पूरे करूंगा मैं। आजाना, अघोरी और आत्मा के मिलन से एक बच्चा जन्म ले सकता है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं साबित करूंगा। आजा आजा। तो उसकी यादों में खो गई है वो, जब तक इस घर में रहेगा तू नहीं मानेगी ना। आज से इस स्वर्ग भूमि में मैं और माया एक साथ जिएंगे और तू जाकर रहेगा शमशान घाट में।
खानदान का आदि बीज हूँ, हजारों पूर्णिमा और 6 पीढ़ियां देख चुकी हूँ मैं। खानदान की जैसे कुल देवी होती है, वैसे ही यहाँ भी एक रक्षक देवता है, वही है हरिश्चंद्र। जा, जाके उसे पुकार, वहां जाकर हाथ जोड़। जब तू विनती करेगा, तेरी आत्मा को नई ताकत मिलेगी। उसकी आत्मा और मेरी आत्मा जब एक साथ मिलेंगी, तब तू हजारों आत्माओं की ताकत से हरिश्चंद्र मरेगा और उस अघोरी को मारेगा। जा, अब जाना। तंत्र शक्ति से मुझे नष्ट करेगा। तू साधारण भूत है और मैं अघोरी शैतान।
है स्वामी। अगर तुम्हें शमशान घाट के सच्चे रक्षक देवता हो, हमारे लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने वाली माई की आत्मा सच्ची है, तो उस अघोरी का सर्वनाश करने की ताकत मुझे दे दो हरिश्चंद्र, मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो रक्षक देव, हरिश्चंद्र जी ताकत दो, उसका सर्वनाश करने की ताकत दो मुझे हरिश्चंद्र, मुझे ताकत दो स्वामी, हरिश्चंद्र स्वामी, हरिश्चंद्र स्वामी मुझे ताकत दो, हरिश्चंद्र स्वामी मुझे ताकत दो। Dumb.
की मार देखी होगी, हथौड़ी की मार देखी होगी, कुत्तों की मार देखी होगी, भेड़ियों की मार देखी होगी, जानवरों की मार भी देखी होगी, भूतों की मार देखी है तूने? घोरी शैतान, नशा उतर गया। करोड़ों की जायदाद होते हुए भी भिखारी की तरह बैठे हुए। चाहे तुझको। डैडी, ये अपनी ही कार है ना? ए पुरी, जरा यहाँ देखना। ओहो, ए पुरी, क्या है सीनियर? ये क्या लाला का पूरा परिवार बैठा है यहाँ पे? अमावस के दिन शमशान में उड़ उड़ के थक गए होंगे। चलो चल के पूछते हैं क्या बात है। ओके, पूछते हैं। ये क्या लाला, घर की तरफ आए बिना सब लोग यहाँ पे बैठे हो? बंगले के चक्कर में सब कुछ तो खत्म हो गया, इसलिए कहाँ जाए सोचकर यहाँ बैठे हुए हैं। किसी को ब्याज पे पैसा चाहिए तो बोलना। मरने के बाद भी ब्याज का चक्कर नहीं छोड़ा? कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अभी भी एक के पास से ब्याज लेने के लिए बैठे हुए। किसके पास से लेना है बताओ, हम कलेक्ट कर लेंगे। सुनिए जी, आप किससे बात कर रहे हैं? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कंजूस है, थोड़ा रुको डार्लिंग। ये तो शमशान का रास्ता है। आई नो। ए पूरी, मेरी बेटी का पति तू है? हाँ। तो खजाना मेरी बेटी को ही कहा था क्या? या तो फिर छोटा लाला कालिया होगा क्या? या गुलाब का फूल कहा था, तूने तो मेरी बेटी को ही फूल कर दिया। चिंता मत करो लाला, आपकी बेटी को और आपके बड़े वाले बंगले को मैंने रख लिया है। उसके अलावा जो दो मकान थे उसे बेचकर अपने सीनियर को भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर बना दिया है। इसे? और हमारे साथ वो था ना जूनियर, उसे पावर स्टार की एक पदवी देकर हीरो बनाकर जापान में जाकर जैकी चैन के साथ एक्टिंग करने के लिए भेज दिया है। यहाँ हमारी आत्मा भटक रही है और तुझे मजा आ रहा है? ओहो लाला, चिंता क्यों करते हो? आज से हर अमावस के दिन कौवा बनके हमारी छत पर आ जाना, मैं दाल बाटी बनाकर खिलाऊंगा, उसे खाके पुर्र से उड़ जाना। मेरी थाली में छेद करके उसी में मुझे खाना खिलाएगा। ए सीनियर, तुम मेरी एक मदद करोगे? बोलो लाला। दो को उठाना है, जिसे भी बोलोगे उठा लेंगे। यमराज और भैंस दोनों को उठाना। ये लाला कभी नहीं सुन रहा है। माया, अब ये हमारा घर है और अब हमें कोई चिंता नहीं। मुझे और तुम्हें कोई भी शक्ति अब जुदा नहीं कर सकती। माया, अब मैं भी प्रेत बन गया हूँ, अब तो लव कर सकते हैं ना?